बालों का झड़ना आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। हम बालों के लेके काफ़ी वजह से होते हैं, साथ ही हम इनको कई प्रॉब्लम को लेके फेस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे बाल हैं जो दिन ब दिन टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, और इसको प्रॉब्लम हर किसी की जनरेशन को फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज़ हो, चाहे वो बच्चे हों। आज हर कोई इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके परेशान है। तो चलिए आज कुछ ऐसी हेल्दी रेमेडी बनाते हैं जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हमें लेना है आंवला। तो आप जानते हैं आंवला कितने विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है और इसमें कैसे कैसे मौजूद तत्व होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी इसका सेवन करने के लिए कहते हैं। ये हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है, साथ ही हमारे बालों को भी बहुत ही अच्छा करता है। ये अगर आप इसका यूज़ करते हैं, ये आपके आप इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही ये एंटीबायोटिक भी होता है, इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप भी इस तरह से आंवले को ले सकते हैं और आप क्यूब में काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना रही हूँ। आज मैं जो ऑयल बनाने वाली हूँ, ये हमारे बालों का जो प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि हमारे बाल झड़ रहे हैं या हमारे बाल दो मुए हो चुके हैं या आपके बालों में अन्य कई प्रॉब्लम जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली अगर हमारे बालों में डैंड्रफ है तो बाल हमारे झड़ते ही हैं। तो आप भी इस तरह से आप इसे कट कर लें। कट करने के बाद आपको क्या करना है आप देख ली। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या तो आप इस तरह से क्यूब में कट करके आप इसे ग्राइंडर में एक अच्छा सा पेस्ट भी रेडी कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को हम दो तरीके से बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेमेडी, चलिए मैं आपको बताती हूँ, दूसरा एक हम एक पैक बना के रेडी करेंगे और अब एक और हम इसमें ऑयल बनाने वाले हैं। तो इसमें विटामिन सी होता है जो आपके बालों की स्कैल्प को साफ करता है, साथ ही आपके बालों की प्रॉब्लम है डैंड्रफ की प्रॉब्लम उसे भी दूर करता है। और इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है आपके बालों का झड़ना, अगर आपके बाल तेजी झड़ रहे हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो आप इन सभी समस्याओं को आप जानते हैं कि जो हम इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे दूर नहीं हो रही, तो आज हम घर पे इसी रेमेडी से अपने बालों का इलाज कर लेंगे। तो अच्छे से आप इसे ग्राइंडर में पीस लीजिए या आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसको हमें रेडी करने के लिए आप हल्का सा आप चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छा पेस्ट हम इसका रेडी कर लेंगे। ये सभी प्रॉब्लम जो हमारी बालों की होती हैं उसे दूर करेगा। आप चाहें तो इसे, अब आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है। आप कोशिश करिए कि आप लोहे का बर्तन लें। लोहे में क्या होता है, मौजूद तत्व होते हैं जो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम किसी और बर्तन में इसे पकाते हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बट हम जब लोहे के किसी बर्तन में पकाते हैं तो इसका असर दोगुना हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी होता है और लौह तत्व जो होते हैं हमारे बालों को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, साथ ही आपके बालों का झड़ना बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक आपसे एक दो चम्मच आप इसमें आंवला जो मैंने इसमें ग्राइंड किया था वो मैंने इसे ले लिया है। मैं यहाँ पर कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आप अच्छे से इसे देख सकते हैं, मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है। करेगा आपकी बालों की सभी समस्याओं को दूर करेगा, ख़त्म करेगा, और आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है वो भी प्रॉब्लम्स की समस्याएँ आपकी दूर हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं हल्का सा इसने ब्राउन होना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये अपना ऑल और छोड़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब तक ये अच्छे से जल ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। साथ ही हम इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं जो आपके बालों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। जी हाँ, तो आपको वो आपके किचन में हमेशा मौजूद होती है और आप हमेशा इसे खाने में इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब देखिए अब अच्छे से ये इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है, इसने पकना ये आधा पक चुका है, धीरे धीरे और भी पका लेंगे हम इसे।
नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं मेथी। मेथी दाना क्या जानते हैं आप कितना अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। मैंने अपनी कई रेमडीज़ में इसका यूज़ किया है, मेहंदी में भी इसका यूज़ किया है। तो मेथी भरपूर मात्रा में विटामिन और सल्फर होता है जो आपके बालों के हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसे तेज़ी से रोकता है और साथ ही आपके बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। जो हमने आज रेमडी यूज़ की है वो काफ़ी पावरफुल है। मैंने इस तेल को सरसों के मैंने इस ऑयल को सरसों के तेल में रेडी किया है। आप कोशिश करिए इसे सरसों के तेल ही में इसे बनाएं, क्योंकि सरसों का तेल हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें कोई आप मार्केट का तेल यूज़ ना करें, आप चाहें तो इसे नारियल तेल में ही बना सकते हैं। और नारियल का तेल क्या होता है सर्दियों में जम जाता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल ही लिया, आप अच्छा होगा। तो अब इसे आप देख सकते हैं इसने थोड़ा थोड़ा ही जल चुका है, यानी कि हमारा ऑयल अब रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ब्राउन हो चुका है। हमारी मेथी भी इसमें जो हमने इसे अप्लाई की थी डाली थी उसे भी आप हल्का सा जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे अच्छे से चलाते रहिए। जो हम मार्केट के महंगे महंगे ऑयल यूज़ करते हैं उन पर ये हमारा तेल काफ़ी ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो हम मार्केट के जो ऑयल यूज़ करते हैं उससे क्या होता है उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों की और प्रॉब्लम को उसमें ऐड कर देता है। बट जो हमने ऑयल ये आज बनाया है बिना किसी खर्च के, मात्र 10-20 रुपए के खर्च तक इस्तेमाल करके हमने इसको एक बेहतरीन तेल बनाया है। आप चाहें तो इसे एक अच्छी क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो ये अब पूरी तरह से हमारा प्रॉपर तरह हमारा ये ऑयल रेडी हो चुका है। तो आप एक जब ये ऑयल ठंडा हो जाए तो आप इसे एक कंटेनर में या एक जार में आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। तो आपको क्या करना है, जो हमने ऑयल रेडी किया था ठंडा हो चुका है, अब उसे छन्नी के साथ अच्छे से छान लीजिए। ये तेल काफ़ी ही इफ़ेक्टिव है। ये हमने इसमें नेचुरल जड़ी बूटियाँ यूज़ की हैं, जैसे कि मेथी है। मेथी भी एंटीबायोटिक होती है और उसमें विटामिन सल्फर बहुत मात्रा में पाया जाता है। और हमने इसमें यूज़ किया है हमने सरसों का तेल, साथ ही हमने इसमें यूज़ किया है आंवला, जो आप जानते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए एक अमृत के समान है। तो ये सभी चीज़ें इस तेल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अब ये तेल रेडी हो चुका है अप्लाई करने के लिए। आप चाहें तो इसे कोई ड्रॉप बॉटल हो या एक कंटेनर हो या आप ग्लास बॉटल हो या जार हो, आप उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप अपने बालों को वॉश करना चाहते हैं उसके एक रात पहले आप इसे अपने बालों में अप्लाई करें। और अप्लाई करने का तरीका तो आपको पता ही, किस तरह से इसे अप्लाई करना है। आपको कभी भी जब भी आप ऑयलिंग करें तो आप तेल को कभी भी डायरेक्ट इस तरह से इस्तेमाल ना करें, डायरेक्ट और सर में ना डालें। आपको अपनी उंगलियों की सहायता से आपको इस ऑयल को अपने बालों में लगाना है। तो किस तरीके से लगाना चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आप अपने बालों को कॉम करके आप हल्के हल्के उंगलियों की सहायता से पूरे स्कैल्प में आपको इसे ऑयल को ऐड करना है। साथ ही अपने बालों की पूरी लेंथ तक इसे आप अप्लाई करें। और हाँ, कोशिश करिए कि आप कभी भी पतली कॉम को अपने बालों में अप्लाई ना करें, क्योंकि उससे हमारे बाल टूट जाते हैं। आपको हमेशा ही मोटी कॉम का यूज़ करना है, इससे आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कम होगी और आपके बाल स्ट्रांग बनेंगे। ये ऑयल आपके बालों की सभी प्रॉब्लम को दूर करेगा, साथ ही आपके बालों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।